डेटिंग साइट तो हर कोई यूज़ करता है, मैंने भी रिसेंटली यूज़ किया था, तो वहाँ पे क्यूट सी गर्ल से मेरा मैच हुआ था। सो मैंने सोचा, उसे बहुत सारी बातें की, यहाँ वहाँ की बातें की, फिर बाद में हमारा मिलने का प्लान हुआ। फिर मिलने से पहले, लेकिन मैं किसी से भी मिलता हूँ उससे पहले मैं वीडियो कॉल प्रेफर करता हूँ। सो मिलने से पहले मैंने एक अपने सोशल अकाउंट पे उसे सोचा फोटो शेयर करूँ और वीडियो कॉल करूँ, लेकिन जब मैंने वीडियो कॉल किया आई वाज लाइक ये कौन है, टोटली डिफरेंट पर्सन। सो इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी। पहली बार मैंने यूज़ किया डेटिंग साइट और फिर मेरे साथ पहली बार में यही हो गया, तो मुझे नहीं लगता डेटिंग साइट इट्स अ गुड ऑप्शन। तो डेटिंग ऐप पे एक्चुअली मेरा बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं उतना यूज़ नहीं करता डेटिंग ऐप्स। पहले क्या हुआ था, आई वॉज बींग कैटफिश्ड, तो ये बहुत फनी है बिकॉज एक लड़का मुझे एक लड़की के अकाउंट से टेक्स्ट कर रहा था, बट पता नहीं क्यों उसके अकाउंट में वो शोइंग ब्लू टिक विच इज़ बेसिकली कॉल्ड वेरीफाइड। तो मैं एक्चुअली मेरा बहुत गंदा कटा बिकॉज एक लड़का था वो, बिकॉज आई केम टू नो जब मैंने बोला उसे मिलने के लिए, सो शी वॉज रिफ्यूजिंग टू मीट मी, बेसिकली इट्स ही, बट मुझे वो मिल नहीं रही थी एक्चुअली। तो एक दिन क्या हुआ, आज तो वीडियो कॉल, तो क्या किया उसने वीडियो कॉल पिक किया, देन आई सॉ गए उसने बोला कि तेरा कटा बोल के, बहुत ही गंदा, वॉज अ बैड सीन। तो उस दिन के बाद मेरी ईगो इतनी गंदी हर्ट हुई कि मैंने कभी लाइफ में डेटिंग ऐप यूज़ नहीं किया, और मैं बोलूँगा तुम लोग भी मत करना यार। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था कि हम मिलने वाले थे, हफ्ते की बातें हो रही थी, हम मिलने वाले थे, तो हम मिले कॉफ़ी शॉप में एंड लड़की पहले से बैठी हुई थी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप कहाँ हो, मैं पहुँच गया था, मैसेज किया कि आप कहाँ हो, आप मुझे दिख नहीं रहे। तो लड़की ने हाथ उठा के कहा कि मैं यहाँ हूँ, आप पीछे पलट के देखिए। मैं डर गया क्योंकि जिस हिसाब से उसकी फोटो में जो प्रेजेंटेशन उसका था एंड जो वो हकीकत में थी, दो अलग चीज़ थी। एंड उसके बाद थोड़ा डर बैठ गया था कि यार ये प्रॉपर एंड सेफ चीज़ नहीं है वर्चुअल डेटिंग करना। मैं एक जो लास्ट डेट पे गई थी उसके बारे में बताती हूँ। इट टर्न्ड आउट वेरी नाइस, मतलब ऐसा हुआ था कि हम बहुत ही रैंडमली मिले क्योंकि ऐसा प्लान नहीं था कि हम मिलेंगे। तो वो इंसान आया, वो अपनी बाइक लेके आया, मैंने पहले सुना दिया बाइक क्यों लेके आया। फिर वहाँ से हम बाइक से गए, यहाँ से एक घंटा दूर हम जा रहे थे आई गेस, बीच में बाइक में मेरा चश्मा गिर गया, मैं अंधी बिकॉज आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी। उसके बाद फिर उसके 15 मिनट में उसकी बाइक ख़राब, रास्ते में हम बैठे चाय पी रहे, देख रहे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर अचानक से बहुत ट्राई किया हम लोग ने, बाइक नहीं चली। फिर मैंने उसे बोला कि अब ट्राई कर, एंड रैंडमली पता नहीं कैसे सच में चल गई बाइक। फिर हम गए वो जगह पे जहाँ जाना था, बहुत अच्छा वेदर था, बैठे बीच पे, हमने बातें की हुए वो, फिर आते हुए वापस बाइक खराब। 3 घंटा हम लोग बैठे वेट कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं, पर वो 3 घंटे भी बहुत ही बुरी डेट थी ऐसे अगर देखा जाए तो, बट द कंपनी वॉज रियली नाइस और हमने वो सारी चीज़ें इन्जॉय की, लाइक काफ़ी अच्छी थी। भाई इंडिया में डेटिंग इज नथिंग लेस देन अ मिशन, लेकिन क्या होगा अगर इस मिशन के लिए आपको मिले आपके मम्मी पापा की परमिशन। भाई आ गया है हमारा कमाल का नया शो जिसका नाम है डेटबाजी, वहां पर आपके मम्मी पापा को होना पड़ेगा राजी। तो देखिए हमारा नया शो अमेजॉन मिनी टीवी जो है अमेजॉन शॉपिंग ऐप पे बिल्कुल फ्री, बड़ा प्यारा सा आइकन है अमेजॉन मिनी टीवी का, क्लिक करो